नमस्कार, आप देख रहे हैं एसकेपी लाइव न्यूज। राव खलघाट फोर लेन पर हर दिन रोज हादसे हो रहे हैं। आज भी एक हादसा हुआ, वही कल रात को भी एक हादसा हुआ। इस तरह से दो हादसे हुए हैं जिसमें दो लोगों की मौत हुई है, एक घायल हुआ है। आपको बता दें कि पहला हादसा सोमवार मंगलवार की मध्य रात्रि में हुआ, जिसमें दो पिकअप व दो ट्रालों में भिड़ंत हुई, जिसमें दो लोगों की मौत हुई और एक घायल हुआ। वही दूसरा हादसा आज सुबह 11 बजे हुआ, जहां यात्रियों से भरी अनियंत्रित बस जो है अनियंत्रित होकर गड्ढे में जाकर पहाड़ी से जाकर टकराई। ये तो अच्छा हुआ कि हादसे में किसी भी यात्री को चोट नहीं आई। आपको बता दें कि 11 बजे इंदौर की तरफ से आकर गणपति घाट उतर रही मध्य प्रदेश परिवहन बस क्रमांक MP69P0157 के ब्रेक फेल होने से बस अनियंत्रित होकर गड्ढे में जाकर पहाड़ी से जा टकराई। बस में करीब 100 के लगभग यात्री बैठे थे। गनीमत रही कि हादसे में किसी को चोट नहीं आई। तुरंत डायल 100 व काकरदा पुलिस मौके पर पहुंची और यात्रियों की मदद की। वही दूसरी घटना सोमवार मंगलवार की देर रात्रि में हुई, जिसमें दो लोगों की मौत हुई है और एक घायल, जिसमें मृतक का नाम सुनील हीरालाल उम्र 25 साल जाति भील निवासी हेला बावर, जिसको मृत अवस्था में धामनोद के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया। वही दूसरा मृतक अभी अज्ञात है, शिनाख्त होने तक धामनोद के स्वास्थ्य केंद्र पर रखा गया है। वही हादसे में मनीष पिता सुनील जाति भील निवासी हेला बाबर उम्र 3 वर्ष घायल है, जिसे धार रेफर किया गया है। आपको बता दें कि हादसे के बाद घाट उतरने वाली एक लेन बंद रही, जो कि सुबह 7 बजे तक पूरी तरह यातायात सुचारू रूप से चालू हो पाया। मौके पर काकरदा पुलिस ने पहुंचकर ट्रैफिक व्यवस्था संभाली। देखिए खबर एसकेपी लाइव न्यूज पर। गणपति घाट पे जो एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें करीब सुनील पिता हीरालाल 25 वर्ष निवासी हेला बाबर गणपति घाट में एक्सीडेंट हुआ, जो मृत अवस्था में लाए थे। साथ में उसके बच्चा मनीष जिसका 3 वर्ष उम्र है, जिसको गंभीर चोट लगने वजह से जिला अस्पताल धार रेफर किया गया था। ये घटना लगभग करीब 10 बजे की है, टोल वाहन द्वारा लाया गया था। आपका नाम डॉक्टर जोगेन सिंह।